वेलकम बैक टू बिस्किट बॉक्स। फिर से मैं बिस्किट पर शिप हम लाए हुए बहुत छोटा सा खाने जितना बिस्किट जाता पतंजलि ब्रांड की तरफ से वाला। बहुत दिनों के बाद पतंजलि ब्रांड लाया होगा ठीक है। उसका आता है दूध मिल्क बिस्किट। बहुत छोटा सा बिस्किट देखे हाथ पूरा एकदम बोलते एकदम छोटा सा बिस्किट जैसे ठीक है एकदम बोलते पोर कितना इसका प्राइस रहेगा 5 रुपीज का प्राइस है। इतना दिखने में 5 रुपीज जितना है किसी के 5 रुपीज का प्राइसिंग है इसका किसी का। और यानी इसके ऊपर बहुत सारे लिखे हुए इधर साइड में 100% आटा। ये बिस्किट आटा से बना हुआ है मैदा नहीं उसके इसमें मोर इन फाइबर ज़्यादा इसमें आपको मिलता है। इजी टू डाइजेस्ट आराम से डाइजेस्ट हो सके और ट्रांसफैट फ्री। आप जानते हैं इसका मैन्युफैक्चर है तेलंगाना हैदराबाद में। आप जानते हैं इसके न्यूट्रिशन कंटेंट और इंग्रेडिएंट अनबॉक्स करने से पहले इतना छोटा सा पिक्चर ये पैकेट ही इतना छोटा है उसमें मैन्युफैक्चर इंग्रेडिएंट अब मैं है कि नहीं एक्चुअली मैं देखा भी नहीं है पीछे मुझे ऐसा करना पड़ेगा खुल ना जाए। हाँ वो छोटा दिखे होंगे ठीक है। तो आपको मिलता है इसमें एनर्जी 489 ग्राम। प्रोटीन मिला आपको इसमें 6.5। कार्बोहाइड्रेट मिला आपको इसमें 62। शुगर मिला आपको 22। टोटल फैट मिलता आपको इसमें 8.3। अभी जानते हैं इसके ट्रांसफैट फ्री ट्रांसफैट 0 है टोटल फैट 8.3। समझ नहीं आया। आप जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट अपन इसमें रिफाइंड व्हीट की आटा मैदा नहीं है इसमें शुगर एडिबल वेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल मिल्क सॉलिड्स लिक्विड ग्लूकोज इन्वर्ट शुगर सिरप आयोडीन सॉल्ट और मेन बिस्किट कंटेंट मैंने कहा व्हीट मिल्क सल्फेट्स। अब इसको खोल के देख लेते अंदर से कैसे अंदर से छोटा बिस्किट तो अंदर से दिखते हैं अंदर से बिस्किट 1 2 3 4 5 6 7 बिस्किट मिलते हैं आपको ठीक है। इधर से काउंट करके देखो बता दिए ठीक है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है एक को ले लेते हैं। तो देखिए दिखते हैं बिस्किट पतंजलि लिखा हुआ है हिंदी में ठीक है ना इसे बिल्कुल पार्ले जैसा नहीं दिखता है ठीक है नहीं दिखता है यार पार्ले की तरह। अभी इसको कंपेयर मार के देख लेते फोटो ही नहीं है बहुत नीचे इतना टिपमू सा है सेम है बहुत सेम है इस ठीक कहाँ है देखो नीचे हाथ उसके नीचे और हाथ के उधर पास में ठीक है अच्छा दिख रहा है ठीक है। अब लेते हैं इसका स्मेल फिर मैं इसका टेस्ट देता हूँ ठीक है। क्योंकि मेरे को भी सर्दी आ रखा है इसका स्मेल नहीं आ रहा मुझे आता है इसका दूध का स्मेल आ रहा है मुझे ओनली दूध का स्मेल आ रहा है। अब इसको खा के देख लेते हैं टेस्ट तो आ रहा है थोड़ा अच्छा बड़ा पैक करना ही चाहिए यार 5 रुपीज दिए यार थोड़ा सा नीट सा अरेंजमेंट तो कर देते खोलने का गड़बड़ है ठीक है। एक्चुअली तो इसका फ्लेवर था ना बहुत सिंपल प्लेन दूध बिस्किट जैसा है ठीक है नॉर्मल था एकदम दूध बिस्किट बोलते हैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किएंगे उसका फ्लेवर वैसा नहीं है एकदम प्लेन सिंपल था दूध जब बिस्किट बोलते हैं ना वैसा है खाने में। उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते पार्ले जी के साथ क्योंकि उसका अलग ही फ्लेवर है ये अलग ही है वो तो ये ज़्यादा स्वीट है दूध ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया ना इसलिए ज़्यादा स्वीट साइड चला गया। पार्ले जी तो थोड़ा वो उसका फ्लेवर उसका रहता ही है ठीक है वो तो अलग है ये अलग है ठीक है। पार्ले पतंजलि ब्रांड अलग है वो तो ब्रांड भी अलग है ठीक है। इसका तेलंगाना मैनुफैक्चर इसमें समझ नहीं आया तेलंगाना मैनुफैक्चर कब से बनने लगे पतंजलि यार बहुत ज़्यादा पाउडर है यार इसमें पतंजलि तेलंगाना में कैसे बन लगेगा हैदराबाद में उधर मैन्युफैक्चर इनके ठीक है अच्छे हैं उधर भी बिक रहे हैं मतलब उधर भी बिक रहे हैं उतना फेमस है ऐसे बिस्किट ठीक है।
इंडिया में पूरा फेमस बिस्किट है, किसी के पतंजलि ब्रांड ही वही है, ठीक है। ये लगे इनके अलग अलग बिस्किट आते हैं, ऐसा नहीं कि ये बिस्किट आता है, अलग अलग बिस्किट आते हैं, अभी आएंगे ऐसे नेक्स्ट आते रहेंगे, देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब काम करते हैं, ऐसा शुरू करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट पता है ना, कमेंट करें ना, शुरू करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट विद बिस्किट। इधर से रहता हूँ बिस्किट, इधर से ग्लास पानी, इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं पानी में डाल के 5 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब उसको खा के देख लेते हैं, टूटा नहीं, सेम नहीं, बिल्कुल नहीं सेम, बहुत डिफरेंस है। दूध का फ्लेवर एक्चुअल जो खाने में था ना, जो जितने खाने में जबरदस्त फ्लेवर, वो बहुत डाउन हो गया। अब कैसा रहेगा उसका फ्लेवर, ओनली पानी पानी इसका फ्लेवर होना, उसका बिस्किट जो उसका आटा है ना, ओनली आटा का फ्लेवर है, मुझे इतना ही। इसको बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, उसको नॉर्मली नहीं, पानी के साथ नहीं लीजिए, नॉर्मल खाइए, अच्छा लगेगा बिस्किट खाने को। चाय के साथ ले सकते हैं, कॉफी के साथ भी ले सकते हैं, इसलिए एकदम खाने में अच्छे बिस्किट है। अब बोलते हैं इसको जाइए नजदीकी शॉप मार्ट में लेकर आइए, या फिर ऑफिशियल पतंजलि स्टोर में जाके इसको लेकर आना, उधर भी मिल सकता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन में मिल सकते हैं इनके, ठीक है। अब जो अभी बोलते हैं इसको मैं स्कूल जाए, बच्चों को बोल सकते हैं लेकर जा सकते हैं पूरा पैकेट, ठीक है, पूरा पैकेट लेकर जा सकते हैं, 5 रुपीज यार दे सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद नहीं ऐसे 2-3 बिस्किट ले सकते हैं, ठीक है। खाने में हेल्दी बिस्किट है, आटा है, मैदा नहीं है, ठीक है। अब जो मैं बिस्किट करी हो आज एक मॉर्निंग शॉप पे डाल के यूट्यूब पे देख जाना, एवरी डे मत, ठीक है। हमारे वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल बिस्किट बॉक्स सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, हम वीडियो को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए, पहले आकर इस बार भी कर देना, ठीक है। और जिसने भी हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जाके देख लोगे, अलग अलग वेराइटीज के बिस्किट के रिव्यूज इधर नहीं बाहर भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक फॉर द वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्किट बॉक्स।